मेरा नाम है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता और अगेन आज का जो मेरा वीडियो है वो ये टॉपिक के ऊपर है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है बिकॉज ये आपके बहुत ज़्यादा काम का टॉपिक है। आप किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर नेचुरली ग्लूटाथियोन का लेवल बढ़ा सकते हैं, एल ग्लूटाथियोन का लेवल नेचुरली हम कैसे अपनी बॉडी के अंदर बढ़ा सकते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो ग्लूटाथियोन के बारे में सबको पता ही है, इतना हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक है फॉर वाइटनिंग, फॉर लाइटनिंग, फॉर एंटी एजिंग, फॉर बहुत सारे कारण से ग्लूटाथियोन यूज़ किया जाता है। आपके लिवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हार्ट को, किडनी को, सबको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ग्लूटाथियोन यूज़ किया जाता है, स्पेशली फॉर वाइटनिंग, स्किन को वाइट करने के लिए। बहुत से लोग बहुत ही कॉमनली खाने के तरह उसको आजकल खा रहे हैं, खच 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 करके ग्लूटाथियोन को। बट बिकॉज ग्लूटाथियोन इज अ कंपाउंड जो कि बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट होता है तो बहुत महंगा होता है, मैं वीडियो बहुत सारे बना चुका हूँ उसके ऊपर। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो किस तरीके से हम अपनी बॉडी के अंदर नेचुरली ग्लूटाथियोन का लेवल बढ़ा सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, जिस तरीके से हमें पता है कि ग्लूटाथियोन इज अ अमाइनो एसिड जो बॉडी खुद भी बनाती है, मगर कोई भी चीज़ जब बॉडी बनाती है तो उसके लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए पड़ता है, लाइक प्रीकर्सर्स होते हैं ना जो कन्वर्ट होता है। तो ग्लूटाथियोन अगेन इज अ अमाइनो एसिड जिसको रॉ मटेरियल जिसका होता है एन एसिटाइलसिस्टीन। तो अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर ग्लूटाथियोन का लेवल बढ़ाना है नेचुरली, अगर आपको ग्लूटाथियोन का लेवल बढ़ाना है तो आपको एन एसिटाइलसिस्टीन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो एन एसिटाइलसिस्टीन काय काय में होता है, बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है, लाइक वो आपको एग्स में भी मिलेगा, आपको टमाटो में भी मिलेगा, आपको हरी सब्जियों में भी मिलेगा, सब में मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि फॉर अगर मैं वाइटनिंग की बात करूँ कि अगर आपको वाइटनिंग के लिए देखा जाए तो 500 mg ग्लूटाथियोन डेली हमें चाहिए ओरली 3-4 महीने अच्छे रिजल्ट्स के लिए फॉर वाइटनिंग। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर वाइटनिंग तो हमें 500 mg सुबह शाम अगर लेंगे तो और जल्दी रिजल्ट मिलेगा, मिनिमम 500 mg तो लेना ही है, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूँ कि 500 mg ग्लूटाथियोन का लेवल अगर बढ़ाना है मेरे को, इतना ग्लूटाथियोन लेवल चाहिए मेरे को, तो मुझे रॉ मटेरियल कितना चाहिए रहेगा, ठीक है। तो रॉ मटेरियल की बात करूँ तो अगर 500 mg ग्लूटाथियोन बढ़ाना है मेरे को तो मेरे को कम से कम कुछ नहीं कुछ मतलब मैंने कोई बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं की हुई इसके ऊपर, बट एक एवरेज अप्रॉक्स मैंने जो नेट पे देखा तो मुझे जो पता चला तो कम से कम आपको अराउंड 20 किलो टमाटर, ठीक है, ऐसे ही अराउंड आपको 10-15 kg स्पिनिच, ये सब चीज़ें, और आपको बहुत सी चीज़ें, अंडे हैं तो वो भी आपको कम से कम 50-100 अंडे आपको डेली खाना है। तो आपको उस लेवल को आप ये जब मिक्स एंड मैच करेंगे तब आपके जाके रॉ मटेरियल आपके एन एसिटाइलसिस्टीन आपके लेवल में बॉडी में बढ़ेगा। ऐसे आपको अराउंड 15-20 लीटर दूध पीना रहेगा डेली, तो आप नेचुरली ग्लूटाथियोन का उस लेवल तक पहुँच पाएंगे। एक बात को हमेशा याद रखिए, YouTube पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो कहेंगे आप ये खाइए आपका लेवल बढ़ जाएगा, वो खाइए आपका लेवल बढ़ जाएगा, दे आर नॉट रॉन्ग, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। आप ये सब चीज़ें खाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली ग्लूटाथियोन का लेवल बढ़ेगा बिकॉज इट्स अमाइनो एसिड, बॉडी खुद बना सकती है। अगर जितना हमको चाहिए है उतना बनाने के लिए बॉडी को क्या करना पड़ेगा, मतलब अगर मुझे 500 mg का ग्लूटाथियोन चाहिए, रिड्यूस एल ग्लूटाथियोन चाहिए 500 mg, वो भी 2-4 महीने चाहिए, तो उतना क्वांटिटी में हमें ग्लूटाथियोन को बनाने के लिए हमें बॉडी को कितना सारा हमें रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मुझे 1 किलो सोना, अगर मैं बात करूं कि 40-50 लाख का 1 किलो सोना है, 1 kg गोल्ड इज इक्वल टू अराउंड 30-40 लाख रुपीज, अभी 50-60 लाख होगा मेकल से अप्रॉक्स, है ना। अगर मैं 10 ग्राम की बात करूँ तो अराउंड होगा 50-60 हज़ार का सोना होगा, ठीक है। अभी अगर मुझे वो 10 ग्राम सोना एक्सट्रैक्ट करना है तो मुझे कितना सारा जो खदान होती है, जो जहाँ से वो डिग किया जाता है, उसमें कितना सारा रॉ मटेरियल डिग करना पड़ेगा, उसको फिल्टर करना पड़ेगा और क्या क्या करना पड़ेगा, तब जाके वो 10 ग्राम सोना गोल्ड हमारे हाथ में आएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, आपको ग्लूटाथियोन पे खर्चा नहीं करना है, बिल्कुल भी महंगी महंगी टैबलेट नहीं खरीदनी है, तो आपको करना क्या है, आपको जो चीज़ें बताई हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में खानी रहेंगी डेली। जब वो डेली मात्रा में उतना ज़्यादा खाएंगे तो आप नेचुरली अपनी बॉडी के अंदर इतना सारा ग्लूटाथियोन ला पाएंगे और उसको रिजल्ट जो आपको इफेक्ट चाहिए वो आपको मिल पाएगा। और अगर आप वो नहीं कर सकते हैं और आप ग्लूटाथियोन में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, कि आप नहीं चाहते कि भाई मैं 2-2.5 हज़ार रुपये की टैबलेट खरीदूँ, इतनी महंगी मेरे बजट नहीं है, अगर आपके आउट ऑफ बजट टैबलेट जा रही है ग्लूटाथियोन की, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ रीलाइट प्रो टैबलेट विच इज द एन एसिटाइलसिस्टीन। इसके अंदर एन एसिटाइलसिस्टीन 100 mg विच इज अ प्रीकर्सर। अगेन जैसे मैंने बोला कि इट्स अ रॉ मटेरियल, अगर आप मार्केट में रोटी आपको महंगी पड़ रही है, आप मार्केट में जाते हैं होटल में और आपको रोटी आप खरीद के खाते हैं, आपको रोटी अगर महंगी पड़ रही है तो आप घर में रोटी बना सकते हैं, बट उसके लिए आपको आटा चाहिए रहेगा। तो दिस इज योर आटा,
इसके थ्रू आप ग्लूटाथियोन को नेचुरली बॉडी के अंदर बना सकते हैं। तो बिकॉज ग्लूटाथियोन की टैबलेट 2,500-3,000 से अच्छी क्वालिटी की देखेंगे तो 2,500-3,000, 5,000-7,000-10,000 की टैबलेट आती है, दे आर वेरी कॉस्टली। तो जो लोग प्रोडक्ट इतना कॉस्टली नहीं खरीद सकते, मैं उनके लिए आज लेके आया हूँ रीलाइट प्रो, जो जिसमें है एन एसिटाइलसिस्टीन 100 mg, अल्फा लाइपोलिक एसिड 50 mg, कोएंजाइम Q10 10 mg, वाइटामिन B6, B12, वाइटामिन सी, वाइटामिन ए, इसमें एल ग्लूटाथियोन भी 50 mg, एंड इसमें सेलेनियम भी है, लाइकोपीन भी है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट भी है, बीटा कैरोटीन भी है, वाइटामिन ई भी है, मिल्क थर्स्टल एक्सट्रैक्ट भी है, ग्लाइसिन भी है, एल ग्लूटामिक एसिड भी है, जिंक सल्फेट एंड फॉलिक एसिड। इट्स अ कंप्लीट ब्लेंड रॉ मटेरियल इसके अंदर सारा है, जो आपके नेचुरली बॉडी के अंदर का ग्लूटाथियोन को बूस्ट अप करेगा। नेचुरली ग्लूटाथियोन के लेवल को बूस्ट अप करने के लिए ये रॉ मटेरियल आपको चाहिए है डेली, और विच कॉस्ट यू अराउंड 750 फॉर 30 टैबलेट। मतलब अगर वन मंथ का डोज आपको सिर्फ 750 रुपये का पड़ेगा, मतलब इससे सस्ता आपको ग्लूटाथियोन का लेवल बढ़ाने के लिए, इससे महंगा अगर नेचुरली खाना खाएंगे तो वह ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, उससे ज़्यादा का तो आपको खाना खाना पड़ जाएगा, उतने लेवल तो आपको खाना खा के जो नेचुरली खाना खा के बढ़ाएंगे तो आपको महंगा पड़ जाएगा उतना सारा खाना, जितना आप खा के ग्लूटाथियोन के लेवल को बढ़ाएंगे। तो इससे अच्छा है कि उससे भी सस्ता हम काम करें। वर्क स्मार्टली, ओके, भेड़ की चाल मत चलिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और में से लोग मेरे को लिंक भेजते हैं, सर वो मैंने यूट्यूब में, हमने गूगल में देखा, वो डॉक्टर ने ऐसा बताया कि आप ये खाएंगे तो आपका ग्लूटाथियोन का लेवल बढ़ जाएगा, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बोला कि आप ये खाओ, इसको पीस के खाओ, इसको ये सब मिक्स करके खाओ तो आपका लेवल बढ़ जाएगा, कोई बोलता होम्योपैथिक डॉक्टर ऐसा सिखाई, बढ़ता है नो डाउट बढ़ेगा, बट हम जो खा रहे हैं वो हमारी मात्रा बॉडी में जिस लेवल का हमें चाहिए है ग्लूटाथियोन वर्क करने के लिए, जो आपका मेन एम है, फॉर इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर वाइटनिंग। सी देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गोरा होना सब कुछ होता है, नो ऐसा नहीं है, गोरा होना सब कुछ अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है, बट किसी को चाहिए। भाई मेरे पास बजट है और मैं मारुति, मुझे मेरे पास मारुति और आज मेरे पास बजट है तो मुझे मर्सिडीज खरीदने का पैसा है तो मैं मर्सिडीज खरीदूंगा। इसमें ये कोई बात नहीं कि जो मारुति चला रहे हो बेकार है, वो ऐसा नहीं होता, बट ये इफ आई कैन अफोर्ड व्हाई नॉट। सेम अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आप देख रहे हो कि भाई मुझे चेहरे में चमक चाहिए, मुझे मेरे फ्लॉलेस स्किन चाहिए, और क्यों नहीं चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ होना चाहिए। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप रेसिज्म वाली वीडियो बनाते हैं वाइटनिंग के ऊपर, ऑफकोर्स भाई इसमें रेसिज्म तो कोई बात ही नहीं, मेरा काम है बेस्ट चीज़ को लोगों को बताना, और अगर कोई चाहता है कि उसको साफ कलर चाहिए, उसको क्लियर स्किन चाहिए, उसको फ्लॉलेस स्किन चाहिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। काला होना खराब नहीं होता, गोरा होना खराब नहीं होता, ये अपनी चॉइस है। कोई किसी को बाल पसंद है, किसी को गंजापन पसंद है, किसी को बॉडी बिल्डर, किसी को जिम जाके बॉडी बनाना पसंद है, किसी को मोटा होना पसंद है, उसको नहीं जाना है, खूब वेट बढ़ा कर रखा है, तो डजेंट मीन कि जो बॉडी बना रहा है आप बोलोगे, मैं बॉडी को बोलूंगा कि आप जिम जाके एक्सरसाइज करो तो आप बोलने लगोगे कि ओ आप मोटे लोगों पे कमेंट, आप मोटे लोगों को रेसिज्म कर रहे हो समथिंग, प्लीज ग्रो अप, है ना। तो गाइस ये मैं आपको वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने पूछा था मेरे से कि हम नेचुरली ग्लूटाथियोन को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो या तो आप बहुत सारा खाना जिसमें ग्लूटाथियोन का लेवल, ये इन सब चीज़ों का लेवल बढ़ेगा, एक्चुअली दीज आर द रॉ मटेरियल विच वी नीड, आवर बॉडी नीड्स टू मेक ग्लूटाथियोन, मेनली एन एसिटाइलसिस्टीन जो लंग डिजीज में भी दिया जाता है, लिवर डिजीज में भी दिया जाता है, इट्स अमाइनो एसिड अकेन, तो इट्स अ प्रीकर्सर। तो ये लेवल बढ़ाने के लिए अल्फा लाइपोलिक एसिड, बीटा कैरोटीन, आपको ये सब चीज़ें आप रॉ मटेरियल में लेंगे तो आपकी बॉडी ग्लूटाथियोन को बना पाएगी। अगर आपके पास आटा ही नहीं होगा तो आप रोटी नहीं बना पाएंगे, पॉइंट है ना। तो समझदारी से काम करें, 750 रुपये में 30 दिन की टैबलेट है, चाहे तो आप इसको ले लीजिए। अगर आप बजट आपका, देखो सबसे अच्छा है कि आप ग्लूटाथियोन की टैबलेट ही लें। अगर आप व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट या कोई भी ट्रीटमेंट देख रहे हैं, अगर आप एंटी एजिंग ट्रीटमेंट देख रहे हैं, तो सबसे बेस्ट है कि ग्लूटाथियोन डायरेक्टली ले लें। एब्जॉर्प्शन उसका कम होता है तो सबको पता ही है, बट अगर आप उतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ये तो अगर आप उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप चाह रहे हैं कि नहीं मेरा बजट ही नहीं है ग्लूटाथियोन परचेस करने का, तो आप एक महीने में 750 रुपये में आपको एक महीने का डोज मिलेगा, आप इसको ले लीजिए। ये नेचुरली आपका सारा प्रीकर्सर, आपको सारा रॉ मटेरियल आपके प्रोवाइड कर देगा बॉडी, और बॉडी आपके खुद ग्लूटाथियोन बनाना चालू कर देगी। इसका रिजल्ट आपको 3 से 4 महीने 6 महीने में दिखना, मतलब दिखेगा आपको अराउंड 9 वीक में दिखना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज स्लो प्रोसेस, बॉडी धीरे धीरे बनाएगी, और ये बिकॉज अमाइनो एसिड्स और उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो बॉडी का जो भी नीड्स होंगी, जहाँ जहाँ मेजर नीड्स होंगी, रोल होंगे, वहाँ पे पहले यूटिलाइजेशन होगा, उसके बाद बचा खुचा आपको गोरा चमक और ये सब बाल की ग्रोथ इन समय काम में आएगा। ग्लूटाथियोन अकेला गोरा नहीं करता, आपकी बालों की ग्रोथ को बढ़ा देता है, आपके लुक टेक्स्चर, स्किन टेक्स्चर को बढ़ा देता है, आपकी फील, आपकी एनर्जी, सब चीज़ को बढ़ा देता है।
हर बॉडी बॉडी के हर एक सेल के अंदर ग्लूटाथियोन का लेवल होता है. तो वेट क्या कर रहे हो, जल्दी से जाइए lessgoinc.com पे, वहां पे जाके आपको मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, चाहे तो उसको परचेस कर सकते हैं और एल्स खूब सारे हरी सब्जियां खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं और सब कुछ खाइए और दूध दीजिए, अंडे खाइए और लेवल बढ़ा लीजिए और रीलाइट को खाइए और उससे अच्छा है ग्लूटाथियोन को खाइए. मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत. देखो सब्सक्राइब करने से फायदा क्या है, आपको मेरे वीडियो पसंद आए ना आए सब्सक्राइब करिए. हो सकता है ये वीडियो आपको पसंद ना आए मगर इसके बाद वाला टॉपिक आपको आपके काम का हो, आपको पसंद आए. ये चीज़ मैं बेच नहीं रहा हूँ, लोग बोलते हैं आप दवाइयाँ बेच रहे हो, ऑफकोर्स ये बात है मैं डॉक्टर हूँ यार, तो मेरा काम है दवाइयाँ बताना, प्रिस्क्रिप्शन बताना. तो आप इसको जो भी समझें, पसंद है तो शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही लो यार. और इंस्टाग्राम पे मैं वेट करूंगा मेरी आईडी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, वहाँ पे आ जाइए, हम बात करेंगे, कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की सबको, कोशिश तो करता हूँ बट सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ. बट येस कभी ऐसा हो रहा हो तो मुझे मेरी फोटोज पर कमेंट छोड़ दीजिएगा, मुझे जल्दी दिख जाता तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा. तो बहुत कुछ बता दिया यार, खाना खाओ या ये खाओ या फिर सीधे ग्लूटाथियोन खाओ.